चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फुलझोरी पीठा बनाएंगे। फुलझोरी पीठा बांग्लादेशी डिश है, इसे अच्छु मुक्कू भी कहते हैं। यह खाने में कुरकुरी और बहुत टेस्टी लगती है। यह क्रिसमस पर या कभी भी बनाई जा सकती है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। गेहूं का आटा आधा कप, चावल का आटा आधा कप, चीनी आधा कप, नमक एक चौथाई टीस्पून से आधा, बेकिंग सोडा एक चौथाई टीस्पून से आधा, रिफाइंड ऑयल दो टेबलस्पून, इलायची पाउडर एक चौथाई टीस्पून, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, बनाने के लिए फुलझरी मोल्ड। अब आटे को भूनेंगे। बड़े बाउल में आटा डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, तेल को मिक्स कर लेंगे। पानी से घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे। चीनी घुलने तक इसे फेंटेंगे। चीनी घुल चुकी है, दो तीन मिनट अच्छी तरह से लग जाते हैं। फेंटने के बाद इसे आधा घंटा के लिए ढक के रखेंगे। फुलझड़ी सेकने के लिए घोल तैयार है। अब तेल गरम करने रखेंगे। तेल गरम करने रख दिया है। अब फुलझड़ी मोल्ड को इसमें तेल में गरम करने रखेंगे। मोल्ड गरम होने के बाद में घोल में डालेंगे इस तरह से। जब ये पूरा लग जाए तेल गरम में छोड़ेंगे। थोड़ा सीखने के बाद इसको इस तरह से हिलाएंगे। मोल्ड को इसी में गरम करने रखेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से जाली में रखते जाएंगे। मोल्ड गरम हो चुका है, इसको फिर घोल में इसी तरह से डालेंगे। पूरा नहीं डुबाना है, इसको फिर गरम तेल में डाल देंगे। तेल को मीडियम रखेंगे और इस तरह से हिलाते रहेंगे। सीखने के बाद अपने आप ही निकल जाता है। फिर मोल्ड को इसी में गरम करने रख देंगे। इस सिके हुए को निकाल देंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह से निकाल देंगे इसे। इस तरह से जाली पे रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे बना लेंगे। जब दो तीन सीख जाए तो इसे नीचे से फिर चला लेंगे, क्योंकि इसमें चावल का आटा बैठ जाता है। फुलझड़ी पीठा बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे। स्वादिष्ट क्रिस्पी फुलझड़ी पीठा बनकर तैयार है। इन्हें बनाइए, खिलाइए और खाइए। ठंडे होने पर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखिए। इन्हें जब मन करे निकालिए और खाइए।
आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज़ बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।